और मसूरी में नो पार्किंग में टैक्सी खड़ी करना 24 टैक्सी संचालकों को भारी पड़ गया। एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने 24 टैक्सियों के मसूरी में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने कहा कि टैक्सी यूनियन को इस संबंध में मौखिक और लिखित रूप से निर्देशित किया जा चुका है, लेकिन फिर भी टैक्सी संचालकों की ओर से आदेशों की बार बार अवहेलना की गई है। यातायात व्यवस्था को सुचारू संचालित किए जाने को लेकर 24 टैक्सियों का मसूरी में प्रवेश निषेध कर दिया गया है और इसकी सूचना मसूरी के कोलू खेत पुलिस चौक को भी दी गई है। आपको बता दें कि 25 जुलाई को पुलिस ने निरीक्षण में पाया था कि पिक्चर पैलेस मसूरी में एमडीजीए पार्किंग तक नो पार्किंग जोन में 24 टैक्सी अनाधिकृत रूप से खड़ी थी, जिनकी वीडियोग्राफी कराई गई थी। इसमें ये था कि जो भी सड़क पे टैक्सियां पार्क थी उनका सर्वेक्षण किया गया, उनके फोटोग्राफ्स ले गए कि कौन टैक्सी कहाँ पे पार्क थी। उसके अनुसार एसडीएम साहब को रिपोर्ट गई। एसडीएम साहब ने 24 गाड़ियों का मसूरी आने पे प्रतिबंधित कर दिया गया। उसका लेटर पुलिस को और कोलुपुत बैरियर को भी दे दिया गया कि ये गाड़ियाँ अगर ऊपर आई तो इनको एंट्री न दी जाए। नहीं, ये टैक्सी यूनियन से ही बात करके हुई थी। जिस दिन माननीय मंत्री जी ने ये लंडौर का निरीक्षण करा था उस दिन टैक्सी यूनियन के सचिव भी थे और वहीं पे ये डिसाइड हुआ था कि जो भी टैक्सियाँ ये खड़ी रहती हैं सड़क पे इनको बैन कर दिया जाए मसूरी आने। ऐसे और टैक्सियों को भी चिन्हित किया? हाँ, आगे और टैक्सियाँ चिन्हित की जा रही हैं।